तो दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आपको तो तू के है उससे आगे नहीं बढ़ रहे, आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो एंड आपका व्यूज भी इतना कम आ रहा है। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा चैनल कहाँ तक गोट हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ है, बस मेरा इंटरेस्ट है बनाने का एंड तू के को मैं 2 मिलियन सोचता हूँ। सो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्वागत है मेरे विलेज ब्लॉग पर। सो कल रात को मैं यहाँ पहुँचा था एंड कल रात बहुत ही बारिश था गाइस, बहुत ही बारिश था, लेकिन आज मौसम पूरा खुल गया एंड ये देखिए गाइस विलेज का नज़ारा, पीछे पूरा पहाड़ पहाड़, इतना सुंदर नज़ारा। एंड गाइस ये मैंने दादी माँ के लिए कुछ लाया हूँ, ब्रेड और चाय पत्ती एंड बिस्किट, तो मैं देने जा रहा हूँ दादी माँ को, बहुत दिन हो गया मिला नहीं है तो थोड़ा मिल भी लेता हूँ, तो बहुत मिस किया था। और यहाँ है दादी माँ का घर एंड इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर है, वाओ। और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बहन लोग हैं जो कि अभी आज तेजू की ओर निकलने वाला है ये लोग, तो यहाँ है भाभी जी। कहाँ जाएगा तेजू जाएगा? कैसे जाएगा, किसको रोक रहा है अभी? बस से जाएगा, बस से, बस से जाएगा ना। ओके क्यों ना हंस रहे, अटक से कहाँ गया, अटक से कहाँ गया, अटक कहाँ है? मॉर्निंग तेजू जा रहा है, अच्छा ठीक है, तेजू भी मिलते हैं तब तक। तो मैं अंगो का वहाँ जाके आता हूँ अभी। चलिए घूमें, यहाँ है मेरा दादी माँ, प्यारा प्यारा दादी माँ। चाय में आम तो नहीं, अभी भी दादी माँ का थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, आँख में थोड़ा दर्द दे रहा है। नहीं लम लाने को लिया ब्रेड दिला आपका टाइम पास फला मेन छो सी तंगा है ना तहो मेरे से मांग में तीन में पान ना तहो सरंगे कुछ सरंगे। तो दादी माँ से भी मिल जाए इतना अच्छा लगा ना, बहुत दिनों बाद मिला है तो इतना दिल को अच्छा लगा, सुकून मिला। तो दादी बाबी बहुत इमोशनल हो गया था एंड मैं भी थोड़ा बहुत हो गया था तो अच्छा लगा, तो अभी बस चलते फिर अपना घर। तो दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आपको तो तू के है उससे आगे नहीं बढ़ रहे, आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो एंड आपका व्यूज भी इतना कम आ रहा है। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा चैनल कहाँ तक गोट हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ है, बस मेरा इंटरेस्ट है बनाने का एंड तू के को मैं 2 मिलियन सोचता हूँ एंड 200-300 व्यूज़ आता है मैं उसको 1-3 लाख-4 लाख व्यूज़ सोचता हूँ मैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस मैं बनाते जाऊँगा वही सोचता हूँ मैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा सच में 1 मिलियन पहुँचेगा एंड 1 मिलियन व्यूज़ आएगा। और ये स्टोर रूम, यहाँ पे जितना भी धान मकई चावल एंड जितने भी संपत्ति इधर में डालते हैं इस छोटा से घर पर, उसको कहते हैं खत्म। और यहाँ है मेरा प्यारा सा घर। मेरा घर का लोकेशन इतना सुंदर है ना क्या बताऊँ, देखिए इतना लंबा लंबा पहाड़ है उसका नीचे ही मेरा घर है देखिए। तो काफ़ी सुंदर व्यू है, अच्छा लगता है। चलो अंदर चलते हैं अब। और ये है मिथुन का मेट, कल में हम लोग पूजा में गया था वहाँ पे पड़ोसी में, तो वहाँ पे मिथुन कटा गया था तो हमें मिथुन का मेट मिला है, तो आज पकाएंगे हम। और अनो ये है मेरा मम्मी, बहुत दिनों बाद मिला है मम्मी को भी। तो पिताजी अभी तक सो रहा है, काफ़ी थक गया कल रात को आया था पूजा से। एंड यहाँ है हमारा प्यारे बहन, हाय करो ठीक है ना तुम? चलो तो कल रात को मिल आया था मैं भी, और कल शाम को आया था तो इतना ब्लॉग नहीं बना पाया, तो आज बनाऊंगा मैं। और आज क्या क्या बनने जा रहा है मैं खाऊंगा। और यहाँ पे देखिए मीट पॉप मीट भी है एंड बहुत सारा है, यहाँ पे ना रोस्टिंग के लिए रखा गया है। ये पिताजी को मैंने गिफ्ट किया था, ये मैंने लिया था 4 बजे से दिल्ली पर अभी भी काम कर रहे हैं सुंदर से।
अभी टाइम बच रहा है कितना, 8:25। अच्छा इतना सुंदर से यूज किया है, यूज किया ना अच्छा लगा। और गाइस यहाँ भी देखे दोस्तों इतना सारा मीट स्टॉक यहाँ पर, वाओ ऊपर से दिखाता हूँ। अगला तो दोस्तों मिठुन का मीट काफ़ी टेस्टी होता है, अरुणाचल में बहुत खाया जाता है मिठुन, एंड ज़्यादातर तुम अरुणाचल में पाया जाता है मिठुन, जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। गाय नहीं है, गाय अलग है, मिठुन अलग है। मिठुन जो ना बहुत बड़ा होता है, काक जो ना, और बहुत टेस्टी होता है, दाम भी कितना ज़्यादा है इसका। जो अरुणाचल में है उनको पता होगा। तो आज मैं बना रहा मिठुन मीट, यहाँ पर डाला है हैंडसम, इसका नाम है हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम। जा, 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 जा। तो दोस्तों अभी मैं बना रहा हूँ चटनी, ड्राई फिश एंड टमाटो डालूंगा यहाँ पे, दिखाओ। हाँ टमाटो तो काफ़ी टेस्टी होगा, तो पहले ड्राई फिश का मैं कूट लेता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों अभी खाना बना भी पका लिया, बस खाना बाकी है। एंड अभी तो अभी मेरा अनारस बगान एक्सप्लोर करते हैं, चलो मेरा पाइनएप्पल फार्म। तो बहुत दिन हो गया देखा नहीं हम भी कैसा हुआ है, तो बस मेरा घर का सामने ही है, तो मैं दिखाता हूँ आप सबको। चलिए होप कि फल भी मिल जाए मीठा मीठा पका पका वाला, मेरा छोटा छोटा है ये देखिएगा, इस काफ़ी बड़ा है। गर्म दिन में खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है। अच्छा ये थोड़ा पका हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं। ये पका हुआ है तो काफ़ी टेस्टी हुआ, चलो। तो दोस्तों मुझे एक मिला है, ये काफ़ी पका हुआ है तो इसको ही खा लेगा आज। और ढूंढने के लिए तो ढूंढने से तो मिलना था और भी, लेकिन मैं हाफ पैंट पहन के निकल गया ना तो पूरा लग गया, तो इसको ही खा लेते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, वाओ मज़ा आया। यहाँ पर है हमारा मीठू मीट, और यहाँ पे है बंदा गोभी आलू वगैरह वगैरह, एंड यहाँ पे हमारा चटनी, चल ड्राई फिश और टमाटो। लो मम्मी को भी देता हूँ चटनी। दोस्तों हम लोग का ब्रेकफास्ट में डायरेक्ट चावल होता है, सुबह मॉर्निंग अभी 8:30 बज रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट खाना खा रहे हैं अभी। क्या खा रहा? तो दोस्तों खाना वाना अभी खा रहे हैं, अभी थोड़ा अनारस खाते हैं हम लोग मिलके, चलो। तो दोस्तों ये भी मिला है बहन को, काफ़ी मीठा लग रहा है, इतना मज़े से पक गया ना ये भी, वाओ। इसको हम लोग दिन में खाएंगे बाद में, अभी हम पहले इसको खा लेंगे, चलो खाते हैं। यह है बहन दिलमाया, पिताजी और मम्मी, चलो खाते हैं, आनो खाओ। मिठा है ना, क्या मिला? क्या मिला? मिठा है। अब हम जाओ। और ये है खाने। अनारस तो खाना है, जरूरी है ना? एकदम ऑर्गेनिक अनारस। ये लो ऑर्गेनिक चीज है, खाना है। मिठा है? वाह बढ़िया। चलो खाते हैं। बहुत मीठा है। सो दोस्तों अनारस खाया बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था। तो अभी मैं निकलूंगा हाईलैंड की, और अभी टाइम बस रहा है 10 बजे, तो अभी मैं हाईलैंड निकलूंगा, और ये पिताजी का कुछ काम है वो करके आएगा, मैं हाईलैंड में ये पेट्रोल लेके आएगा, और थोड़ा सा बैग में भी कुछ काम है तो वो करके आएगा मैं, तो मैं रेनकोट ले जाऊंगा, बाय चांस बारिश आने से पहन लूंगा, बैग में डाल देता हूँ अभी के लिए।
इसमें लेके आएगा मैं पेट्रोल हाईलियंग से। एंड यहाँ पे गांव में आसपास में पेट्रोल पंप नहीं है ना, तो यहाँ पे पेट्रोल लोकर में सेलिंग करते हैं यहाँ पे ना बोतल में। काफ़ी गंदा हो गया, ये हो गया बांध के कंप्लीट। ये देखिए इसमें जाएगा पेट्रोल, इसमें जाएगा डीजल। तो यहाँ से मैं जाऊँगा हायुलियांग, यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो एक घंटा कुछ लगेगा यहाँ से। अभी रास्ता एकदम बढ़िया है, हाईवे बन गया पूरा। यहाँ है मेरा दुकान, इसी में हम लोग अनारस बिक्री करते हैं, तो आप लोग आके ले सकते हो अनारस भी। तो आज मौसम थोड़ा काला काला है, तो बारिश देने का फुल चांसेस है। तो मेरा गेटअप ऐसा, तो अभी निकलना होगा मुझे, तो आप सबको मिलता हूँ हालिंग में। शायद बारिश ज़्यादा होगा तो मैं इतना ब्लॉग भी नहीं बना पाऊँगा आज, तो मेरा फ़ोन का बैटरी भी थोड़ा कम है, तो चार्ज भी नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला है। पर मैं सोच रहा हूँ अभी वीडियो भी अपलोड करना है हालिंग जाके ना, तो समय लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, एंड नेक्स्ट ब्लॉग कल से शुरू होगा फिर से। तो डायरेक्ट कल से मिलते हैं, ओके बाय।